प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं, जिथे उन्होंने निघा स्वागत किया गया। हवाई अड्डे से उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने लिए रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्रोव हवाई अड्डे से मौजूद सन। उत्थे उन्होंने अपनी कार होटल लै गए। ये आम तौर पर बहुत घट हों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने भी इस तरह स्वागत नहीं किया गया। हवाई अड्डे से उन्होंने स्वागत करने लिए रूस के छोटे छोटे नेता पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में रह रहे भारतीयों नाल मुलाकात की। उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने हाथ भी मिलाए। बच्चों ने तिरंगा लहरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। रूसी कलाकार ने हिंदी गीत से डांस किया। उत्थे पहुंचते ही पीएम मोदी ने अपडेट दी सोशल मीडिया से लिखा, मॉस्को उतरिया साढ़े देश विशेष अते विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतक भाईवाली नूं होर डूंगा करन दी उम्मीद है। खास करके आपसी सहयोग दे खेतरां विच साडे देशां दरम्यान मजबूत संबंधां नाल साडे लोकां नूं बहुत फायदा होवेगा। पीएम मोदी रूस अते आस्ट्रिया दे 3 दिना दौरे ते गए हन। उह मॉस्को विच 22वें भारत रूस सालाना सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। उह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल निजी मुलाकात करनगे। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी दे स्वागत लई रात दे खाने दी मेजबानी भी कर रहे हन। मंगलवार नू प्रधानमंत्री मोदी भारतीय भाईचारे नाल गलबात करनगे। बाद विच पुतिन अते मोदी दी अगवाई विच वफद पत्री गलबात होवेगी। इस तो बाद पीएम मोदी आस्ट्रिया लई रवाना हो जानगे। दसनयोग है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विचाले 17वीं मुलाकात है। पुतिन और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज़्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन दौरान हुई थी। इस तो बाद पुतिन 2021 में दिल्ली आए सन। यूक्रेन युद्ध शुरू होने तो बाद दोवां दी पहली मुलाकात है। भारत और रूस रवानगी तौर पर दोस्त हैं। दोवां देशों के रिश्ते 7 दहाके पुराने हैं। चीन की रूस नाल नेड़ता के बावजूद दोहां देशां विचाले खटास की बजाय मिठास वधी ही है। इसका कारण अंतरराष्ट्रीय मंच से भारत का वाधा कद है। भारत ने भी यूक्रेन युद्ध नूं लैके वखरा स्टैंड लिया है। जंग का समर्थन किए बिना पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि शांति का समय है, युद्ध नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं, जिथे उन्होंने निघा स्वागत किया गया। हवाई अड्डे से उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने लिए रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्रोव हवाई अड्डे से मौजूद सन। उत्थे उन्होंने अपनी कार होटल लै गए। ये आम तौर पर बहुत घट हों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने भी इस तरह स्वागत नहीं किया गया। हवाई अड्डे से उन्होंने स्वागत करने लिए रूस के छोटे छोटे नेता पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में रह रहे भारतीयों नाल मुलाकात की। उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने हाथ भी मिलाए। बच्चों ने तिरंगा लहरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। रूसी कलाकार ने हिंदी गीत से डांस किया। उत्थे पहुंचते ही पीएम मोदी ने अपडेट दी सोशल मीडिया से लिखा, मॉस्को उतरिया साढ़े देश विशेष अते विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतक भाईवाली नूं होर डूंगा करन दी उम्मीद है। खास करके आपसी सहयोग दे खेतरां विच साडे देशां दरम्यान मजबूत संबंधां नाल साडे लोकां नूं बहुत फायदा होवेगा। पीएम मोदी रूस अते आस्ट्रिया दे 3 दिना दौरे ते गए हन। उह मॉस्को विच 22वें भारत रूस सालाना सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। उह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल निजी मुलाकात करनगे। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी दे स्वागत लई रात दे खाने दी मेजबानी भी कर रहे हन। मंगलवार नू प्रधानमंत्री मोदी भारतीय भाईचारे नाल गलबात करनगे। बाद विच पुतिन अते मोदी दी अगवाई विच वफद पत्री गलबात होवेगी। इस तो बाद पीएम मोदी आस्ट्रिया लई रवाना हो जानगे। दसनयोग है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विचाले 17वीं मुलाकात है। पुतिन अते पीएम मोदी दी आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 विच उज़्बेकिस्तान विच एससीओ सम्मेलन दौरान हुई थी। इस तो बाद पुतिन 2021 विच दिल्ली आए सन। यूक्रेन युद्ध शुरू होने तो बाद दोवां दी पहली मुलाकात है। भारत और रूस रवानगी तौर पर दोस्त हैं। दोवां देशों के रिश्ते 7 दहाके पुराने हैं। चीन की रूस नाल नेड़ता के बावजूद दोवां देशों विचाले खटास की बजाय मिठास वधी ही है। इसका कारण अंतरराष्ट्रीय मंच से भारत का वाधा कद है। भारत ने भी यूक्रेन युद्ध नूं लैके वखरा स्टैंड लिया है। जंग का समर्थन किए बिना पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि शांति का समय है, युद्ध नहीं।